नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ है। वहीं प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरों को लेकर के विधानसभा में जमकर हंगामा किया विपक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बिजली का मुद्दा आज उठाया। हंगामा करते हुए विधायक वैल में पहुंच गए। वैल में सरकार के खिलाफ जमकर विधायकों ने नारेबाजी की। विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाए और इसके बाद आसन से सीपी जोशी उठ गए और उन्होंने नसीहत दी। और इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बिजली के मामले में अंधेर नगरी और चौपट राजा की स्थिति है। सरकार ने सदन में बिजली को लेकर घोषणा की थी, जो वो वादा पूरा नहीं किया। डिजाइन बॉक्स कंपनी से 62 करोड़ के विज्ञापन करवा लिए। उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज के नाम पर जेब कट रही है सरकार, लोगों की जेब काट रही है। डिस्कॉम घाटे पर जा रहे हैं, महंगी बिजली 17 रुपए तक की खरीद की है। 295 के तहत लूट नहीं चलेगी सभापति महोदय, इसमें निश्चित तौर पर बिल टेबल करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इनके बिल टेबल करवाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारी लाल महोदय, आपने नियम 2000 यूनिट तक का बिजली फ्री कर रहे हैं, जन आधार से आपने जोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, किसान का परिवार, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपी से अच्छा हमारे यहाँ राज है। यूपी में बलात्कार की, रेप की, हत्या की ज्यादा घटनाएं होती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी से, हरियाणा से, एमपी से अच्छी है। अब भारतीय जनता पार्टी खुद का काम तो बताती नहीं है, उपलब्धि बताती नहीं है, बिना मुद्दों के राजनीति करती है। आरजीएचएस में, चिरंजी में जो लोगों का इलाज हुआ, राज्य विधानसभा में पेट्रोल डीजल को लेकर के जमकर हंगामा विपक्ष ने किया है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर के नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। तो बिजली को लेकर के विपक्ष ने कहा कि वादा पूरा नहीं किया गया। डिजाइन बॉक्स कंपनी से 62 करोड़ के विज्ञापन करवा लिए गए, जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। फ्यूल चार्ज के नाम पर लोगों की जेब काटी जा रही है। और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जहां पर बीजेपी का शासन है उन राज्यों से बेहतर शासन राजस्थान में है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यह भी कहा कि यहां पर 25 लाख तक का जो इलाज फ्री होता है, देश में किसी भी बीजेपी शासित राज्य में भी ऐसा नहीं है। ऐसे दोनों के बीच में नोकझोंक हुई और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया, वॉकआउट कर दिया। और आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदस्यों को शांत रहने की हिदायत दी और कहा कि सदन नियमों से चलेगा, अगर आप इस तरह से करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। और इसी को लेकर के आज जमकर हंगामा बरपा है। कानून व्यवस्था को लेकर के आज विपक्ष हमलावर नजर आया और जोधपुर से लगाकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले दिनों हुई गंभीर वारदातों का उल्लेख किया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पर सरकार फेल है। साथ ही यह भी आरोप लगाए कि किस तरीके से बिजली को लेकर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं विधानसभा के ठीक बाहर, जहां से बाबूलाल मौजूद हैं। बाबूलाल, आज क्या कुछ हुआ है विधानसभा में? देखिए, पहले सवाल से हंगामा बरपा और सतीश पूनिया का सवाल था कि डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान की सरकार वसूल रही है। पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा वेट अगर किसी राज्य में वसूला गया है तो राजस्थान में वसूला गया है। ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल होने की वजह से जो पड़ोसी राज्यों से सटे हुए जिले हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हो रही है। वहां पर दूसरे राज्यों से लोग पेट्रोल और डीजल लाने पर मजबूर हैं। पेट्रोल पंप जो है ना सूख रहे हैं। इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जिलेवार आंकड़े रखे और बिक्री के साथ में जितना वेट मिल रहा उसकी भी बात कही। सिर्फ उन्होंने माना कि श्रीगंगानगर में जो है बिक्री कम हुई पेट्रोल और डीजल की, वहीं पर वेट कम मिला। बाकी सभी जो जिले हैं, अलवर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगा, हनुमानगढ़, वहां पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री में ज्यादा कोई कमी नहीं देखी गई है। सरकार को काफी ज्यादा वेट वहां पर मिल रहा है। लेकिन वेट कम करने को एक लंबा सवाल था उनका, जो करीब 16 मिनट तक चला। तो ये कहा गया कि सरकार इरादा रखती है वेट कम करने का, तो इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये वक्त ही तय करता है और सरकार के जो
सरबरा लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वही तय करते हैं। इस बारे में उनके पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गृहमंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर वही अपनी मुख्यमंत्री की जगह पर अपनी बात रखते हैं। तो विपक्ष हमलावर था कि बढ़ी हुई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, जिससे राजस्थान के लोगों की कमर टूट रही है, इससे महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो वेट की कीमतें कम की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल जब सस्ते होंगे तो महंगाई घटेगी। लेकिन इस पर सरकार की ओर से ज्यादा, शांति धारीवाल की ओर से ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। और इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ सतीश पूनिया जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सवाल उठाया था, उन्हीं से जान लेते हैं कि जो आज उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया, पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की मांग थी आपकी, क्या सरकार का जो जवाब आया उससे पूनिया साहब आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया। वेट के मामले में मेरा सवाल था, और काफी अरसे से राजस्थान की जनता इस बात का सवाल करती है। केवल मेरा सवाल नहीं था, ये राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का सवाल है। एक तरफ तो महंगाई राहत कैंप है, दूसरी तरफ महंगाई की सियासी बातें करते हैं, लेकिन राजस्थान में इस समय हिंदुस्तान का सर्वाधिक वेट है 31%, जिसमें डीजल और पेट्रोल की कीमतें दूसरे पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए से भी ज्यादा है। खासतौर पर जो मेरा सवाल था उसकी भावना थी, इसके कारण प्रदेश की टोटल रेवेन्यू को भी नुकसान होता है। ये जो मुझे आंकड़े बताए थे, नवंबर 2021 में जब सरकार, केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसके कारण उसका असर हुआ था, लेकिन जो आंकड़े दिए वो स्टैटिक थे। और यदि उसमें देखा जाए तो बढ़ोतरी यदि रेवेन्यू की होती तो ये सामान्य 3% थी, और यदि वैट को कम करते तो 17% रेवेन्यू ज्यादा मिलती। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, इन प्रदेशों से डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, और सबसे बड़ी बात यह कि आसपास के पेट्रोल पंप बंद हो गए। दूसरा, तस्करी बढ़ गई, और मैंने तो एक आदेश सुना था, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया कि राजस्थान की सरकार के जो व्हीकल जो दिल्ली जाते हैं सरकारी विजिट पे, वो भी डीजल हरियाणा में डलाते हैं। तो कितना कंट्रास्ट है। लेकिन जब मैंने पूछा सीधे सीधे तौर पर कि क्या सरकार की कोई मंशा है क्या पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की, मंत्री ने साफ इनकार किया कि राजस्थान की सरकार की डीजल और पेट्रोल पर वैट करने की, वैट को कम करने की कोई मंशा नहीं है। यदि वो आंकड़े देते केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के टैक्सेस, तो ये मेरा दावा है कि केंद्र सरकार की रिलीफ कहीं बहुत ज्यादा है, और भारत की सरकार ने अनेक समय पर एक्साइज ड्यूटी कम करके रिलीफ दी है। राजस्थान की सरकार को भी चाहिए कि एक तरफ वो महंगाई राहत कैंप लगाती है, तो राजस्थान की जनता को डीजल और पेट्रोल की वैट कम करके राहत देने का कष्ट करें। लेकिन क्या मुद्दे पर जो सरकार को आपने घेरा है, वॉकआउट किया, क्या लगता है बिजली में जो राहत दी गई है वो बिल्कुल बराबर? देखिए, बिजली के बारे में जो 2018 में सरकार के आते ही मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया, और ये और कहा था, जन घोषणा पत्र में भी उल्लेख है कि पूरी बिजली देंगे, गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन फ्यूल चार्ज के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर जिस तरीके से दरें बढ़ाई गई, और एक बार नहीं दर्जनों बार, और ये तो स्पष्ट है पूरे तरीके से। दूसरा, जो जुमला फेंका 100 यूनिट फ्री बिजली का और 2000 यूनिट किसानों को फ्री का, बिजली के बिल जो आए हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से इतने ज्यादा हैं कि उसकी भरपाई किसान और कोई सामान्य उपभोक्ता कर नहीं सकता। और इसलिए हमने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, तो कम से कम इस भेद को जरूर मिटाएं। सर, एक सवाल, 200 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में 200 जो प्रभावशाली लोग हैं उन तक आप पहुंचेंगे, जरूरत कहां पड़ रही पार्टी को, पार्टी तो वैसे घर घर में पहुंचती है, इसका मकसद क्या है? नहीं, मकसद यही है कि एक तो पीढ़ी बदलती है, नए मतदाता तैयार होते हैं, समाज में प्रभावी लोगों का प्रभुत्व होता है, कई बार वैचारिक रूप से उनका जुड़ाव इतर होता है, और इसलिए पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उस पर लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने ये जो जनसंपर्क अभियान था जिसमें लोगों को जोड़ने की कवायद की है, उसके लिए हमने कोशिश की है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएं और अपनी बात को कहें। तो ये थे सतीश पूनिया, जो अपनी बात कह रहे थे पेट्रोल डीजल के साथ में। उन्होंने
उन्होंने बिजली पर भी बात कही कि किस तरह से आज विपक्ष ने अपना रुख जो है स्पष्ट किया विधानसभा में। तो कुल मिलाकर के विपक्ष रोजाना एक नए मुद्दे के साथ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब मुश्किल से 2-3 दिन का सदन और है, तो ऐसी सूरत में अब आने वाले जो दिन हैं उनमें और ज्यादा हमलावर होता हुआ विपक्ष दिखेगा। कोशिश यही है विपक्ष की कि जनता के बीच में एक संदेश यही दिया जाए कि जितने भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं और जहां पर जनता परेशान हो रही है, तो जनता की परेशानी को सदन में आवाज देने के लिए विपक्ष इस वक्त मुखर है और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष के नेता जोर शोर से सदन में उठा रहे हैं। हंगामा हो रहा है, वैल में जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में सही संदेश जाए कि सरकार ने जो काम किया है उसकी गूंज भी जनता तक पहुंचनी चाहिए, धरातल तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। दोनों ही जो धड़े हैं पक्ष और विपक्ष के, वो अपनी ओर से जनता के बीच में खुद को सही साबित करने की कोशिश। बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आज भी सदन में हंगामा देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे, राजधानी जयपुर में कांग्रेस की एक बैठक इस वक्त चल रही है पीसीसी में, वॉर रूम में, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। दोनों जो नेता हैं वे कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक हरीश मीणा ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा कल रात को जयपुर पहुंचे थे और अब वे लगातार बैठकें ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो अपनी सरकार के किए गए काम हैं, ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक उन्हें कैसे लेकर के जाएंगे, और जैसे पहले संकेत दिल्ली में हुई बैठक के बाद से दिए गए कि कैसे पार्टी इस बार जल्दी ही जो कैंडिडेट हैं उनको डिक्लेयर करेगी। बस रंधावा साहब बहुत दिनों बाद आए थे, उनसे मुलाकात करी और अपने विधानसभा के टोंक जिले के जो संगठन के बारे में चर्चा करी थी और अपने सुझाव दिए थे कि कैसे संगठन को और मजबूत करें ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो। सर क्या कुछ रही सर, मुलाकात काफी लंबी चली सर आपकी, क्या कुछ सर किस तरीके सर विस्तार से चर्चा हुई सर? नहीं, सामान्य बातें संगठन की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, विधानसभा चल रही है, विधानसभा में क्या हो रहा है, ऐसे उन्होंने पूछा, तो जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की हरीश मीणा ने और यहां पर उन्होंने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगा करके तमाम तैयारियां और अन्य मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। बहरहाल कई अन्य नेताओं के भी पीसीसी पहुंचने का सिलसिला आज देखा गया है, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ जो वॉर रूम है मौजूद हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम आपको लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताएं कि आज पीसीसी में किस तरह की गहमागहमी और क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पीसीसी में जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, पीसीसी वॉर रूम से पीसीसी क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ साथ जो पीसीसी के पदाधिकारी वो मौजूद हैं, और चूंकि अभी जो पीसीसी चीफ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की जो बातचीत हुई है, बातचीत में जिस तरीके से हरीश मीणा व अन्य लोगों से इनकी मुलाकात हुई, निश्चित तौर पर चूंकि विधानसभा का सत्र समाप्त होने वाला है और सरकार अब पुरजोर तरीके से जो है चुनाव की तैयारी के लिए रणनीति पर आई, तो जिस तरीके से जो जनता की मांग थी, जो अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किन मुद्दों को लेकर के हो रही है और क्या हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है पीसीसी से नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, हम आपको अंदर जाकर के ये सारी बातें उनकी सुनवाएंगे, क्योंकि अभी पीसीसी चीफ यहां पर पहुंचे हैं और कुछ देर में यहां पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले हैं और वहां हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि जिस तरीके से जो पीसीसी में जो पीसीसी चीफ जो अब सुखजिंदर सिंह रंधावा से बातचीत के बाद वहां पर आए हैं और यहां पर हम दिखाना चाहेंगे आपको, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम पहुंचे हैं और वहां पर अभी सभी जो अधिकांश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं। तो पीसीसी में ये पत्रकार वार्ता शुरू हो चुकी है और
यहाँ पर जो भी इनकी रणनीति है उस पर बात वॉर रूम में आज किस तरह का मंथन किया गया है ये बताते हुए चलें राकेश कि आखिर वॉर रूम में क्या कुछ हुआ। बिल्कुल वॉर रूम में जिस तरीके से कांग्रेस की जो आगामी रणनीति है उसको लेकर के जहां कहीं किसी तरह की जो मनमुटाव जो कांग्रेस के विधायकों में या नेताओं में है हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोविंद डोटासरा के पीसी पे।